स्वागत है, जयराम जी का स्वागत है, भगवान ही लहराया था, भगवान ही लहराएगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग सहित कुल 26 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। इन योजनाओं की लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत है, जिससे बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। 23 सितंबर 2021 को बरसात के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बिलासपुर दौरा स्थगित हो गया था, जिसके बाद इस बार मौसम ने पूरा साथ दिया और सीएम जयराम ठाकुर का दौरा सफल रहा। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंदरौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर की बंदला की धार से लेकर गोविंद सागर झील तक एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं, जिसको देखते हुए एडीबी के प्रोजेक्ट के तहत ट्रांच 1 या 2 के प्रोविजन में शामिल कर पर्यटन की दृष्टि से इन खेलों को जोड़कर डीपीआर बनाकर धरातल पर लाने की बात की। इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर द्वारा आईपीएच सब डिवीजन उप तहसील पीएससी खोले जाने के साथ ही ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली 3 पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण की मांग को पूरा कर जल्द इस पर काम करने की बात कही है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज ले जाने के सवाल पर सीएम जयराम ठाकुर ने इसके लिए कांग्रेस की पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों सहित प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रदेश में और अधिक पाबंदियां बढ़ाने की चेतावनी दी है। वहीं कार्यक्रम के अंत में शक्तिपीठ श्री नैना देवी ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए की राशि अनुदान भी दी गई, जिसका चेक आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर को सौंपा। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से रंजू जम्वाल की रिपोर्ट। दूसरा, वाटर स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर बिलासपुर में है, और जिसका मैंने जिक्र किया और जिसमें विधायक मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर जेटी लग जाए, तो जेटी के माध्यम से हमारे जो वाटर स्कूटर होते हैं उसके साथ साथ में हमारी और इवेंट्स जो है यहाँ पर की जा सकती हैं, और टूरिस्ट के लिए भी उस दृष्टि से यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है। तो मैं एक ही बात कह रहा था कि हमारा एडीबी का प्रोजेक्ट जो आया है और उसमें ट्रांच 1 में या ट्रांच 2 में ये प्रोविज़न उसमें हम शामिल करेंगे कि बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हम टूरिज़्म को भी साथ में लेते हुए उसमें किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उस बात को लेकर के हमने कहा है कि इस सारी चीज़ को इसकी डीपीआर बनाएंगे, डीपीआर बनाने के बाद उस दृष्टि से आगे बढ़ाएंगे। सर, बिलासपुर को आपने 2-3 चीज़ें जो डिमांड है पूरी की है सर? नहीं, जहाँ भी यहाँ बिलासपुर एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण जिला है, और इस जिले से और इस विधानसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी परसों तक इसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बहुत सारे विकास कार्य उस दौरान भी हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ लंबे अंतराल के बाद एक सार्वजनिक सभा जहाँ हमने आयोजित की, उसमें बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास, यानी कि लगभग 210 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास एक स्थान पर हमने एक वक्त में किए हैं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ मांगों को लेकर के भी यहाँ पर बात हुई है, और वो बातें हमने मानी है। चाहे आईपीएच का सब डिवीज़न की बात कही गई, और उसी तरह से सब तहसील की एक जगह बात आई, और उसी प्रकार से एक पीएससी की बात आई, और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 270 बेड हैं, उसकी बेड कैपेसिटी को 300 तक बढ़ाने की बात कही गई। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो बातें हमारे समक्ष लाई गई उनको पूरा करेंगे। सर, पूरे देश को उनने कर्जे में डुबवा दिया जब देश में सत्ता में रहे, और प्रदेश को तो बहुत बुरी तरह से डुबोया लंबे समय तक सत्ता में रहे। आज जो परिस्थिति बनी है कर्ज लेने की, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। देखिए, कोविड को लेकर के चिंता का विषय है, मैंने यही बात कही है कि अभी भी दौर समाप्त नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में ये संभव है और रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। कुछ रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी है, जिसमें विशेष तौर से जो गैदरिंग को 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, एक दूसरा, उसके बाद हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जहाँ शहरी क्षेत्र है, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर जो क्लब होते हैं उन पर हमने रोक लगा दी। मंदिरों में जो हमारे लंगर का आयोजन होते हैं, दर्शन चलते रहेंगे लेकिन लंगर का आयोजन उसमें नहीं होगा। और इसी प्रकार से हमने जो क्लब का मैंने जिक्र कर लिया, क्लब में नाइट कर्फ्यू के बारे में अभी तक थोड़ा सा फाइनल फैसला करना है 1-2 दिन के अंदर, लेकिन तेज़ी से संक्रमण हिमाचल में भी फैल रहा है। पिछले कल ही 500 एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश में आए, जो चिंता का विषय है। हमारी तैयारी है
उस सारी चीज़ को का सामना करने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि हम सावधानी के साथ काम करें। उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस तय की गई जो बाहर से आ रहे हैं? उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों को किया है। एक तो जो टूरिस्ट खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते जिम्मेवारी समझें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन बातों को लेकर के वो भी तय करें। और उसके अतिरिक्त दूसरा विषय जो हमने जो होटलियर एसोसिएशंस हैं उन सब से भी बात की है, होटल वालों से भी बात की है कि बिल्कुल सुनिश्चित करें कोविड प्रोटोकॉल का पालन वहाँ पर हो, चाहे वेटर है, चाहे रिसेप्शनिस्ट है, चाहे टूरिस्ट आ रहा है, सबके साथ जो है इस बात को लेकर के, और उसमें चेकिंग का भी हम प्रोविज़न कर रहे हैं।